हे गाइस, मैं संध्या दुबे आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड फन विद एसडी। आज हम और आप मिलकर बनाएंगे मलाई कोफ्ता, रेस्टोरेंट स्टाइल में वो भी। तो चलिए बनाते हैं। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पे 150 ग्राम पनीर लिया है, उबला हुआ आलू है दो, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, चॉप्ड जिंजर, चॉप्ड ग्रीन चिलीज, थोड़ा सा धनिया पत्ती। अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, और यहाँ पे मैंने चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप यदि ना डालना चाहें तो स्किप कर दें। अब हमें हाथों से इन्हें अच्छी तरह से मैश कर लेना है। तो इस तरह से हमने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे हाथ में थोड़ा सा लेकर। आप चाहें तो कोफ्तों को गोल बना सकते हैं या इस तरह से भी बना सकते हैं। तो यहाँ हमने कोफ्ते बना लिए हैं। ये हमारा ऑयल यहाँ गर्म हो गया है। अब हम अपने कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखेंगे ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, वरना हमारे जो कोफ्ते हैं वो बिखर जाएंगे तेल पे। अब हमें इन्हें सुनहरा तल लेना है। ये हमारे कोफ्ते जो हैं तल चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इस तरह से हम अपने सारे कोफ्तों को तल लेंगे। ये हमने उसी कढ़ाई में ऑयल निकाल लिया है, 1 टीस्पून करीब उसमें ऑयल अभी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा बटर। ऑयल रहने दिया हमने थोड़ा सा क्योंकि हमारा बटर जो है वो जल ना जाए। अब हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले, जिसके लिए मैंने एक बड़ी इलायची ली है, 3 छोटी हरी इलायची ली है, सिनेमन पाउडर है थोड़ा सा, ज़ीरा है 1 टीस्पून, 4 लौंग हैं उन्हें डालेंगे, 1 तेज़पत्ता, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। ये मैंने यहाँ पे 2 बड़े प्याज हैं, इन्हें बारीक काट लिया है। अब हम प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे, एकदम ब्राउन होने तक नहीं भूनना है, हल्का सा सौते करना है। अभी हम इसमें डाल रहे हैं क्रश्ड जिंजर और क्रश्ड गार्लिक, ये 1 इंच करीब अदरक था और 4 लहसुन की कलियाँ थी जिसे मैंने क्रश्ड कर लिया है, चॉप्ड ग्रीन चिलीज, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, ये लाइटली कुक हो चुके हैं। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर। यहाँ पे मैंने 4 कटे हुए टमाटर लिए हैं। याद रखेंगे जितना प्याज है उससे थोड़ा सा ज़्यादा टमाटर होगा। अब हमें टमाटरों को अच्छी तरह से मैश कर लेना है, एकदम पका लेना है। अब हम इसमें डालेंगे काजू, यहीं पे हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, कोफ्ते में भी थोड़ा नमक डाला था हमने, ध्यान रख के नमक डालेंगे। अब जाएगी हल्दी 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब हमें इन्हें अच्छी तरह से भून लेना है जब तक हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे से एकदम मैशी हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी ताकि जो हमारे काजू हैं वो थोड़े से पक जाएं मसालों के साथ में। देखिए अब हमारे टमाटर जो हैं वो बिल्कुल मैशी हो चुके हैं और काजू भी अब लगभग पक चुका है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इन सभी मसालों का अब हम एक पेस्ट बना लेंगे। और जब आप पेस्ट बनाएं तो ग्राइंडर में जब मसालों को डालेंगे तो ये जो तेज़पत्ता है और बड़ी इलायची का जो छिलके हैं उसे निकाल लें और फिर उसके बाद मसालों को पीस लें। हम मसालों को अच्छी तरह से पीस लिया है,
कढ़ाई में मैंने 1 टेबलस्पून करीब ऑयल गरम किया है। अब हम अपना ये जो पेस्ट है उन्हें इससे डाल देंगे। अभी हम अपने सारे मसाले तो पहले ही डाल चुके हैं, अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। अभी हम अपने मसालों को थोड़ा भून लेंगे तो वो जो ऑयल जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, उसके बाद मतलब हमारे जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम यहाँ पर डालेंगे ये कसूरी मेथी ली है मैंने, इसे क्रश करके डाल देंगे। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा पानी डाल रही हूँ ताकि जो मेरी ग्रेवी है वो थोड़ी सी पतली हो जाए। ये मैंने इस बाउल पे जो पेस्ट रखा था उसी में पानी डालकर डाली हूँ, ताकि आपको ये बता रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये कैसा पानी डाला है इसने। अब हम यहाँ पर डालेंगे क्रीम। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून करीब क्रीम लिया है। मैंने यहाँ अमूल फ्रेश क्रीम लिया है, आपके पास घर की मलाई है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। बस अब थोड़ा सा चलाकर कम से कम 2 मिनट बाद हम गैस बंद कर देंगे। तो हमारी सब्ज़ी अब बिल्कुल तैयार है, तो अब हम प्लेटिंग कर लेंगे। हमने कोफ्ते रख लिए हैं, उसके ऊपर ग्रेवी डाल रहे हैं। कभी भी आप ग्रेवी में कोफ्ते नहीं डालिएगा वरना वो घुल जाएंगे। भी इसे ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हम फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।